10,000 करोड़ रुपए के शिमला मेट्रो और फोर लेन प्रोजेक्ट से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। केंद्रीय मंत्रालय की घोषणा के 3 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस बहुप्रतीक्षित फोर लेन निर्माण के लिए बजट की कमी बताई है, साथ ही प्रोजेक्ट को अलाभकारी एवं अव्यवहारिक बताया। प्राधिकरण ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस 224 किलोमीटर फोर लेन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य करने से इनकार कर दिया है। फोर लेन को तैयार करने में आने वाली भारी भरकम लागत का तर्क देते हुए प्राधिकरण ने अब इस मार्ग को हिमाचल लोक निर्माण विभाग को सौंपने को कहा है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। प्राधिकरण की तैयार DPR को भी PWD को सौंपने को कहा है। 15 सितंबर 2016 को राजपत्रित अधिसूचना जारी हुई थी। 5 चरणों में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर NHAI और एक निजी कंपनी में MOU हुआ था। हमीरपुर के कृष्णा नगर में NHAI का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कार्यालय खुला। NHAI हमीरपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेश राउत ने बताया कि शिमला मटोर भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से एक पत्र मिला है। अब ये फोर लेन बनेगा या नहीं, इस बारे में उच्च अधिकारी ही अधिक जानकारी दे सकते हैं। एक लेटर तो आया है, मतलब जो रोड अभी NHAI के साथ फोर लेनिंग के लिए है उसको फिर से वापस PWD के साथ जोड़ने के लिए एक सिर्फ लेटर आया है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। कोई भी रोड अगर मतलब किसी को ट्रांसफ़र होता है तो वो गैजेट नोटिफिकेशन से ही होता है, तो ऐसे में ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक लेटर आया है जिसके ऊपर अभी मतलब चल रहा है। ये रोड शिमला से लेके मटोर तक, शिमला मटोर रोड है जिसमें 5 पैकेजेस है। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने शिमला मटोर फोर लेन प्रोजेक्ट की घोषणा को जुमलेबाजी करार दिया और कहा कि भाजपा ने केवल चुनाव जीतने के लिए घोषणा की थी और अब इससे पीछे हटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि NHAI के पत्र के बाद भाजपा को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के उस दो मुही बातों को दर्शाता है जो इन्होंने जुमलेबाजी करके प्रदेश के लोगों की जनभावनाएं भड़काकर जो है वो वोट प्राप्त किए थे। आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य मुद्दा था, और उसके बाद लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 69 रोड जो हैं और उनके ऊपर लगभग 72,000 करोड़ रुपया खर्च करने की शोर मचाया पूरे प्रदेश में कि हमने ये किया है, गडकरी जी ने इसका अनाउंस किया। आज इन सब रोड की अगर हम बात करें तो कोई भी रोड व्यवहारिक तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। बहुत से रोडों की तो DPR तैयार तक नहीं हुई हैं, और अब जो ये शिमला मटोर रोड है इसके बारे में तो उन्होंने कह ही दिया कि ये व्यवहारिक नहीं है। ये निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा झूठ था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे के ऊपर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने झूठ बोलकर जनता के बीच वोट के लिए जो है इस बात को इस्तेमाल किया था, और असलियत में जबकि ये बहुत भाग्य रेखा है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोड है, ये निस्संदेह बनना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जब बजट में नहीं है, जब आपने उसकी जो है वो घोषणाएं कर दी और ये व्यवहारिक नहीं था, तो इसका साफ साफ तौर पर नजर आता है कि ये जुमलेबाजी थी भारतीय जनता पार्टी की और कुछ नहीं था। वही मंडी कृषि उपज समिति के चेयरमैन अजय शर्मा ने माना कि फोर लेन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बेहद जरूरी है क्योंकि इस मार्ग की व्यवहारिकता आम आदमी के लिए जरूरी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मार्ग पर जल्द हर काम शुरू करवाना चाहिए। देखिए, केंद्र में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हमेशा प्राथमिकता रही है। 2016 में जब तत्कालीन केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी हमीरपुर पधारे, उन्होंने बहुत सी घोषणाएं हिमाचल प्रदेश के लिए उस समय की।
उन्होंने लगभग दो दर्जन से अधिक नेशनल हाईवे केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आदरणीय सांसद अनुराग ठाकुर जी के आग्रह पर आदरणीय तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के आग्रह पर यहाँ पर स्वीकार किए। उन्हीं के आग्रह पर और हिमाचल प्रदेश की मांग पर मटौर से शिमला नेशनल फोर लेन हाईवे की भी घोषणा उस समय हुई, लेकिन जैसा अभी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि NHAI ने इस फोर लेन को अव्यावहारिक माना है, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और इसमें मटौर से शिमला जो ये हाईवे है, ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश की जनता की इसको माना जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की को एक दूसरे से एक सूत्र में पिरोने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। NHAI की अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की जनता का सवाल है, हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे और प्रदेश सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में जिस प्रकार प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है और गाड़ियों का आवागमन बढ़ रहा है, तो इस फोर लेन हाईवे को जो है वो बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर तब तक इसको दो टू लेन ही अगर इसको मटौर से शिमला तक अच्छी दशा में कर दिया जाए, इसका सुधारीकरण और विस्तारीकरण कर दिया जाए, तब भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 जून 2016 को हिमाचल दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट मंजूर हुआ था, जिसमें 5 करोड़ रुपए सिविल वर्क के लिए निर्धारित था। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 साल तक अलाइनमेंट सर्वे समेत DPR तैयार की गई। 224 किलोमीटर लंबे मार्ग की दूरी कम करके 180 किलोमीटर तय हुई थी। फोर लेन की चौड़ाई 45 मीटर तथा इसका मुख्य सरफेस 22.50 मीटर होना था। पांचवें चरण में ज्वालामुखी से कांगड़ा तक 100 में से 65 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, शेष 35 हेक्टेयर की प्रक्रिया चल रही थी।